हाय एवरीवन, वेलकम टू शकुंतलास लर्निंग। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होना था, DUPG का, DUET, ठीक है, उसकी जो एप्लीकेशन, जो फॉर्म फिल करने की डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 10th ऑफ जून तक, जो कि पहले था आपका 15th मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते थे, लेकिन ये चीज़, ये इसको एक्सटेंड कर दिया गया। और ये पहले से कंफर्म थी, मेरे को पता था कि ये चीज़ एक्सटेंड होगी, क्योंकि अभी तक आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स होते थे वो अभी चल ही रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। ठीक है, अभी बात आती है कि आप लोगों की एग्ज़ाम डेट क्या होगी। मेन हमारा मुद्दा ये है, एग्ज़ाम डेट कब होगी, तभी उस हिसाब से हम अपनी डेडलाइन लेके प्रिपरेशन अपनी जारी रखें। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं। पहले जो आपकी लास्ट डेट थी वो 15 मई थी, ठीक है, अभी जो लास्ट डेट है वो 10th जून है। ठीक है, आपकी, मैंने पहले भी जो स्टार्टिंग वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट किया था, अब जो फॉर्म ओपन हुए थे, आपको मैंने बताया था कि ये एग्ज़ाम आपका जुलाई में ही होगा। ठीक है, और अभी भी आपका एग्ज़ाम जुलाई में ही होगा। अब जुलाई में कब होगा, ये होगा अप्रॉक्सीमेटली 10th और 20th के आसपास। मीन्स कह सकते हैं कि मिड ऑफ जुलाई में पेपर होगा आपका। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में हो सकता है, थर्ड वीक में हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट में नहीं होगा, फर्स्ट वीक में नहीं होगा पेपर, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में नहीं होगा ये आपका एग्ज़ाम होगा मिड जुलाई के अंदर। ठीक है, लेकिन आप मान के चलिए कि आपको 5th ऑफ जुलाई तक अपना प्रिपरेशन पूरा अच्छे से करना है। ठीक है, 5th ऑफ जुलाई तक अपना प्रिपरेशन कर लीजिए, एग्ज़ाम आपका होगा जुलाई मिड के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे जो यूनिवर्सिटीज़ बच गई, JNU बच गया, BHU बच गया, DTU बच गया, ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का CUSET बच गया, ठीक है, इन एग्ज़ाम्स के भी फॉर्म्स ही नहीं आए हैं। इनके फॉर्म्स भी सभी जून में ही आएंगे। ठीक है, जून के फर्स्ट वीक में आएंगे सभी के फॉर्म। ठीक है, तो उसके बाद जो एग्ज़ाम आपके सभी कंडक्ट होंगे वो जुलाई के एंड में, कोई जुलाई के स्टार्टिंग में, कोई जुलाई के मिड में, इस तरीके से कंडक्ट होंगे। शायद CUET आपका अगस्त में भी हो सकता है, शायद में भी, बाकी ये भी जुलाई के एंड में होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अभी पैनिक मत करो, जुलाई में एग्जाम होगा। अभी पूरा आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं मई के, अपने 30 दिन बचे हुए आपके पास जून के। ठीक है, ये 45 दिन है, मैंने एक वीडियो बनाया था सेल्फ स्टडी वाला, उसके अकॉर्डिंगली चलो, 45 दिन आपका अच्छे से एग्जाम को क्लियर और क्रैक कर पाओगे अच्छे रैंक के साथ। 80 या 90 नंबर लेकर आने हैं आपको DU के एग्जाम के लिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सभी का दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। तो अभी एग्जाम का जो आपका डेट होगा वो जुलाई मिड होगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, इससे पहले एग्जामिनेशन नहीं होगा, जुलाई मिड फर्स्ट वीक के आसपास। ठीक है, सेकंड वीक या फर्स्ट वीक, ठीक है, ये आपके एग्जाम डेट रहने वाली है। और अभी तक कोई ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन नहीं आया, जैसे नोटिफिकेशन आएगा अब आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी मैं PYQ स्टार्ट करने वाला हूँ, जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, ग्रुप है वहाँ पर, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।